रिलायंस जियो ने सभी टेलीकॉम कंपनी के पसीने छुड़ा के रख दिए। आपको बता दें कि जियो के आने से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। वही मौजूदा समय में जियो का मुकाबला एयरटेल के मुख्य रूप से है। दोनों की कंपनियां खुद को बेहतर साबित करने में लगी हुई हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए दोनों कंपनियों ने 200 रुपए से कम के बजट में रिचार्ज प्लान पेश किए हुए हैं। फिलहाल 200 रुपए में जियो के 4 रिचार्ज उपलब्ध, जबकि एयरटेल इस बजट में 2 रिचार्ज प्लान प्रदान करती है। 200 रुपए से कम के बजट में एयरटेल और जियो के रिचार्ज में यूजर्स को फ्री कॉलिंग और डेटा दोनों मिलते हैं। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ही समय समय पर अपने प्लान को अपडेट करते रहते हैं, जिससे वे एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। रिलायंस जियो का 98 रुपए का रिचार्ज जियो के इस प्लान में यूजर्स को प्रतिदिन 2 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। पूरे प्लान में यूजर्स को 56 GB डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को फ्री वॉइस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं। एयरटेल के इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1 GB डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 100 SMS मिलता है। साथ ही यूजर्स को लोकल व STD फ्री कॉलिंग मिलती है। लेकिन ये प्लान कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.4 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। एयरटेल और जियो में कौन बेहतर है आप जान सकते हैं और उसी के अनुसार अपना प्लान चुन सकते हैं। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।